क्या दोस्तों आपको पता है द बॉयज सीरीज में सबसे मेन कैरेक्टर कौन था? जी नहीं, मैं होमलैंडर, बिली बूचर या फिर ह्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इस सीरीज में सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर था कंपाउंड वी, क्योंकि यार यही एक ऐसी पावरफुल चीज है जिससे कि सारे सुपर हीरोज को पावर मिली है। एक्चुअल में दोस्तों हमारे जो सुपर हीरोज हैं वो नेचुरली सुपर हीरोज नहीं है, उन्हें यही केमिकल सब्सटेंस देकर सुपर हीरोज बनाया गया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि एक ही तरीके की कंपाउंड वी बहुत से लोगों ने ली, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हर व्यक्ति पर अलग अलग असर कैसे? मतलब दोस्तों अगर एक ही तरीके का केमिकल सब्सटेंस है तो भाई एक ही तरीके का सबके ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। तो भाई इसी मिस्ट्री से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मूवी सिनेमा के बारे में अगर इसी तरीके की डिटेल आप देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो प्लीज अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार इसी तरीके के कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं। तो बिना दो बातों ज्यादा किए करते हैं इस धांसु वीडियो की शुरुआत। द बॉयज सीरीज में यहाँ पर दो कंपाउंड वी के वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। एक है टेम 24 जो कि 24 आवर्स तक किसी भी व्यक्ति को सुपर हीरो में तब्दील कर सकता है। वहीं दोस्तों एक बड़ा वर्जन है जिसको लेने में बहुत ज्यादा रिस्क है, हो सकता है कि इसको लेते समय उसकी मौत भी हो जाए। अब दोस्तों टेम्प वी की शुरुआत हुई सीजन 3 से, यहाँ पर दोस्तों की ये सुपर सीरम ह्यू और बिली बूचर ले लेते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होती है दोस्तों की यहाँ पर दोनों पे ही अलग अलग एडवांटेज होता है। यहाँ तक की दोस्तों इस चीज को शो में ही रिवील कर दिया गया था कि अगर इस कंपाउंड को बार बार लिया जाए तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है किसी भी व्यक्ति का। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कॉमिक स्टोरी में इस चीज को लेकर बिल्कुल इसका ऑपोजिट इफेक्ट है। इस कंपाउंड को लेने के बाद यहाँ पर लाइफ स्पेन कम हो जाता है। भाई दोस्तों बात करें अगर कॉमिक्स के बारे में तो भाई इससे उल्टी लाइफ स्पेन हमारी बढ़ जाती है। कंपाउंड वी को नाजी जेनेटिक्स फ्रेडरिक बॉट ने पहली बार डिस्कवर किया था, और यहाँ पर दोस्तों 1940s के दौरान इन सब की शुरुआत सोल्जर बॉय से की गई थी, जिसने कि दोस्तों यहाँ पर कंपाउंड वी का पहला डोज लिया था और यहाँ पर अमेरिका का सबसे पहला सुपर हीरो भी उन दिनों माना जाता था। भाई दोस्तों शो में आगे चलते चलते हमको इस चीज का भी पता चलता है कि सोल्जर बॉय के पास उसकी जो पावर्स है वो होमलैंडर में ट्रांसफर हो गई। अब वही दोस्तों इन सब चीजों से लड़ने के लिए ह्यू और बूचर अपना अपना एक डोज ले लेते हैं। लेकिन यार दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल स्टोरी में इस चीज का कुछ अलग ही एक मतलब है। यार कॉमिक का एक 52 नंबर का पेज है, और कॉमिक के दोस्तों इस सीन के दौरान ह्यू ग्रेग मोलेरी के घर जाता है उससे मिलने के लिए, जिसने की बिली बूचर और उसकी टीम को रिक्रूट किया हुआ है। अब वही दोस्तों इसी डिस्कशन के दौरान मेलोरी इस बात को भी रिवील करती है कि यहाँ पर दोस्तों वो एक मिडिल एज दिखने के बाद भी 91 इयर्स ओल्ड है। और दोस्तों इसी ने इस चीज पर से पर्दा उठाया था कि यहाँ पर कंपाउंड वी का अपना ही एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज है, इससे लाइफ कम नहीं उल्टा बढ़ जाती। और यहाँ पर दोस्तों इस चीज से लाइफ एक्सटेंड ही नहीं होगी बल्कि दोस्तों यहाँ पर इससे जो नेचुरल एजिंग लाइफ साइकिल है वो भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों मेलोरी उसे कुछ ऐसा भी बताती है कि यहाँ पर वो अंत तक अपनी लाइफ की एज को देख नहीं पाएगा, बस उसे फील कर पाएगा। अब चलिए दोस्तों ये तो सारी हो गई कॉमिक्स की बातें, अब दोस्तों इस बारे में बात कर लेते हैं। हर सुपर हीरो को एक अलग एबिलिटी ही मिली हुई है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम ए ट्रेन को ले लेते हैं। ए ट्रेन के पास दोस्तों यहाँ पर कुछ नेचुरली तेज भागने की एबिलिटी थी, और यहाँ पर दोस्तों कंपाउंड वी जब उसने लिया तो यहाँ पर कंपाउंड वी ने उसी पावर को एम्पलीफाई कर उसे वापस दे दी, तो यहाँ पर उसके भागने की पावर थी वो और ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ पर दोस्तों वो इतनी भी ज्यादा बड़ी कि यहाँ पर उसे ए ट्रेन नाम से जाना जाने लगा। भाई दोस्तों यहाँ पर उसे लेजर आइस या फिर एक स्ट्रॉन्गर हार्ट जिसकी उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, ये चीज उसे नहीं मिली, क्योंकि दोस्तों ये जो चीजें हैं वो उसकी नेचुरल एबिलिटीज में शामिल बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पर दोस्तों जितना ज्यादा कंपाउंड वी कोई भी व्यक्ति लेता जाएगा वो उतना ज्यादा उसकी पावर को एम्पलीफाई कर देगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ज्यादा तेज भागने से अपने हार्ट को वो और भी ज्यादा कमजोर किए जा रहा था। भाई दोस्तों बात करें कॉमिक के बारे में तो कॉमिक पे तो दोस्तों इस चीज को भी बताया गया था कि होमलैंडर को जब कंपाउंड वी दिया गया था तो वो कोख में था। और यहाँ पर दोस्तों बाकी सुपर हीरोज की बात करें तो यहाँ पर जब बच्चे थोड़े बहुत बड़े हो गए उसके बाद उन्हें ये डोज दिया गया। और यही दोस्तों एक कारण है कि यहाँ पर होमलैंडर सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है बाकी सबके मुकाबले। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमिक में तो यही बताया गया है, ना जाने क्यों शो में इस चीज को पूरे तरीके से चेंज कर रख दिया गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि आखिर कंपाउंड वी हर एक व्यक्ति पर अलग अलग असर क्यों करता है? लेकिन मानिए दोस्तों आप सबकी थ्योरीज हम सब लोगों से बहुत हद तक इंटरेस्टिंग होती है, क्या पता दोस्तों आप कहां कहां से लेकर आते हो। बाकी यार इसी तरह की वीडियो या द बॉयज सीरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके ही जाना है, क्योंकि इसी तरह की दोस्तों वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किया ना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।